हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे के कुछ इन किचन आइटम के बारे में जो कि कास्ट आयरन के हैं, और इन पे ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं मैडम के पास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इनके डिटेल्स में रिव्यू और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी है, और इनकी फटाफट से करते हैं फिर अनबॉक्सिंग। सबसे पहले दोनों ही कास्ट आयरन के हैं, दोनों ही मेयर के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें वो ये है, मेयर कास्ट आयरन 2-in-1 ग्रिल एंड ग्रीडल फ्राई पैन है। ये इसका साइज़ जो है वो 30 सेंटीमीटर का है और इसका प्राइस जो है 3500 है। सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो मेयर प्री सीजन कास्ट आयरन 2-piece कुकवेयर सेट है। कास्ट आयरन ग्रिल पैन एंड ग्लास ग्रिल प्रेस इसके साथ जो आता है वो ग्लास ग्रिल प्रेस से आता है, और इसका जो प्राइस है वो है 4905 रुपीज़, और इसका जो साइज है वो 25 सेंटीमीटर है। सो गाइस, ये थे कोई डिटेल इन प्रोडक्ट के जो प्राइसिंग है उसके बारे में। बाकी अब फटाफट से कर लेते हैं इनकी अनबॉक्सिंग और फिर देखते हैं बॉक्स में क्या क्या निकलता है। तो दो बॉक्स है अपने पास में, पहले देखते हैं इसमें क्या निकलता है। क्या है इसमें? तो पैकिंग तो लोगों ने अच्छी खासी अच्छी कर रखी है। पैकिंग अच्छी कर रखी इन लोगों ने। तो ये है फर्स्ट आइटम, मेरे पास आयरन 2-in-1 तवा एंड ग्रिल। यस, इसका बॉक्स आता है मेयर कास्ट आयरन 2-in-1 तवा एंड ग्रिल। तो ये दोनों चीजें हैं इसमें। ये इसका साइज जैसे मैंने बताया था 30 सेंटीमीटर का है। और सबसे पहली बात, जैसे जो मेयर का कोई भी प्रोडक्ट होता है वो इंडक्शन गैस आप किसी पे भी चला सकते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। वन टाइम लीजिए, जिस पे आपको यूज़ करना है उस पे यूज़ कीजिए। इन लोगों की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्ट उनके अच्छे होते ही होते हैं, बट उसके साथ साथ में ये पैकिंग बहुत सॉलिड करके देते हैं। तो ऐसे इसका सबसे पहला लुक ये आता है, और फिर इसके साथ वही इसका वारंटी कार्ड, उसकी जो जो चीज़ें हैं आपको कैसे उसको यूजर गाइड एंड मैनुअल्स। तो सबसे पहले इसकी जो हम बात करते हैं ग्रिलिंग साइड की, देखिए इसका साइज़ कितना अच्छा है। ग्रिलिंग साइड के लिए उन्होंने आपको लाइनिंग्स दी हुई हैं जो हमें ग्रिलिंग के लिए चाहिए होती हैं, और ये ऐसा फ्लैट तवा टाइप में नहीं उन्होंने बनाया कि खाली लाइन्स देके, उन्होंने थोड़ा ऊपर करके साइड जो बनाया है ताकि हम इसमें कोई भी ऑयल डालें या हमको थोड़ा ग्रेवी बनानी है ग्रिल के साथ, कुछ भी करना है ये उसमें भी यूज़ होगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारा ऑयल या हमारी ग्रेवी गिर रही है। और दोनों साइड पोर करने के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है, और इसका हैंडल भी मतलब इतने अच्छे से दिया हुआ है जैसे 2-in-1 चीज़ है कि आप फ्लिप करें आपको दूसरी चीज़ मिल जाए। तो ये देखिए इधर इसका लुक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें ये लाइनिंग्स ग्रिलिंग में चाहिए होती हैं। हम कुछ भी ग्रिल करते हैं जिसके बाद जो हमें स्मोकी टेस्ट चाहिए, जो चारकोल वाला चाहिए, तो हीट अप करने के बाद जब हम इसको बहुत हाई फ्लेम पे हीट अप करना होता है, हम ग्रिलिंग कोई भी चीज़ करते हैं कम से कम हमें 6-7 मिनट हाई फ्लेम पे इसको ग्रिल करने के लिए रखना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए इस पे हमें कुकिंग ऑयल या बटर लगाना है, उसके बाद हमें अपना जो भी मीट या वेज जो भी आपको ग्रिल करना है वो चीज़ इसके ऊपर जैसे ही हम रखते हैं, ये जो लाइनिंग्स है ये मेन पार्ट होता है ग्रिलिंग का। तो मतलब दोनों साइड से यूज कर सकते हैं इसको, हम दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। ये तो अभी ग्रिलिंग वाला पार्ट हो गया, अब हम जैसे ही इसको ऐसे फ्लिप करेंगे तो ये हो गया इसका डोसा तवा। ये एक्चुअली डोसा तवा ही है, इसका साइज भी देखिएगी बहुत अच्छा है, और बाकी इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ऑल इन वन है। चाहे इसमें आप रोटी बनाएं, चाहे आप इसमें पराठा बनाएं, आपको जो बनाना है बनाएं। और इसका भी मतलब ये चीज़ एजेस इतने अच्छे से मतलब बाहर करके बनाया हुआ है कि आपका ऑयल वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका एकदम फ्लैट है आपका ऑयल गिरेगा या कुछ भी गिरेगा। ईजिली जो भी चीज़ आप इसमें डालेंगे इतनी ऊँचाई तक वो चीज़ रहेगी, तो कोई टेंशन नहीं है। और इसमें आप इवन आप आपको तड़का लगाना है कुछ लगाना है इसमें, क्योंकि ये सब एजेस दिए हुए हैं तो ये उसमें भी यूज़ होगा। तो जैसे इसका नाम दिया गया है ऑल इन वन, तो बिल्कुल ठीक दिया है इसका ऑल इन वन नाम, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए यूज़ हो जाता है। और जो इसकी स्पेशली एजेस है उसने इसको और अच्छा लुक दिया है,
और इसके यूजेस को बढ़ा दिया है। तो और देखते हैं जैसे, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी है तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट। ऑब्वियसली कास्ट आयरन बहुत हैवी होता है तो ये भी बहुत हैवी है कि जब भी आप यूज़ करें। लेकिन ग्रिलिंग मतलब ये होता है ना, आप ग्रिलिंग रोज़ नहीं करते हैं तो ग्रिलिंग वाली चीज़ को ख़रीदने से पहले हम लोग एक बार सोचते हैं कि हम मंथली बनाते हैं या टू मंथ्स में बनाते हैं, तो हम क्यों इतना महंगी चीज़ ख़रीदें ग्रिलिंग के लिए, हम क्यों उस पर पैसा लगाएं। लेकिन तवा ऐसी चीज़ है कि आपको डेली यूज़ करना होता है, तो ये टू इन वन होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जब आपको तवा यूज़ करना है, तवा तो हमें डेली यूज़ करना ही करना है, तो मतलब हमें तवा ख़रीदना ही ख़रीदना है, तो आपको जब तवा यूज़ करना है तवा यूज़ करें, और जब आपको ग्रिलिंग वाला करना है उठा के आप ग्रिलिंग वाली साइड यूज़ कर लें। तो इसका सबसे फ़ायदा ये है कि आपको एक प्राइस में एक उसमें दो चीज़ें मिल रही हैं जो आप मैनेज भी इजीली कर सकते हो। आपको कहीं पे भी रखना है, दो आइटम रखोगे उसकी जगह आपको जगह कम लगेगी, एक आइटम आपका आ जाएगा। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से भी, ओवरऑल मतलब आपको मैनेज करने के हिसाब से भी कि दो चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा टफ पड़ता है, तो एक काफ़ी सही है। वन मोर थिंग जो मुझे इसके बारे में बतानी थी कि मेयर के हर प्रोडक्ट के साथ हैंडल कवर ज़रूर आता है, लेकिन इसके साथ हैंडल कवर नहीं आया है। तो बी केयरफुल जिस टाइम इसको यूज़ करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रिलिंग हम बहुत हाई फ्लेम पे करते हैं, तो आप ध्यान से ही उस चीज़ को पकड़ें किसी चीज़ से। अच्छा, क्योंकि इसके हैंडल भी गर्म हो जाएगा ना, सिंगल हैंडल, हाँ सिंगल उस पर बनाया है तो हैंडल बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं इसके। तो अभी करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या निकलता है इसमें। और ये है सेकेंड प्रोडक्ट, तो जैसे ये खोलते ही आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो है इसकी ये जो ग्लास लिड दी है, वो ग्रिल पैन प्रेस जिसको बोलते हैं, ये सबसे पहले ये निकलता है। इसका साइज़ उन्होंने दिया हुआ है 17.5 सेंटीमीटर इंटू 17.5 सेंटीमीटर। तो ये हाँ ये ग्रिल प्रेस है जिसको हम जैसे ही मीट को रखते हैं फिर ऊपर से उसको प्रेस करने के लिए होता है ताकि इवनली कुक हो जाए। हाँ सब कुछ बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप जैसे कोई भी चीज़ आप प्रेस करके उसको बनाते हैं ना, तो वो एक अच्छे से कुक हो जाता है अंदर तक। तो सबसे पहले हम इसको ही ओपन करके देखते हैं, प्रॉपरली बेक हो जाता है। तो पहले से ये करते हैं अनबॉक्सिंग और उसके बाद फिर देखते हैं इसमें कास्ट आयरन ग्रिल पैन बड़े वाला। तो पहले ये देख लेते हैं और फिर वो करते हैं। इसके बारे में पूरा की फीचर्स इसके दिए हुए हैं, 100% फूड सेफ है ये, 10 mm थिक बॉडी है इसकी, एडिशनल प्रेशर इज ऑल्सो असेंशियल टू स्क्वीज आउट द एक्स्ट्रा ऑयल। हाँ जिस टाइम हम इसको प्रेस करते हैं जो भी उसने अंदर एक्स्ट्रा ऑयल लिया होता है उसको निकाल देता है। स्टर्डी है ये काफ़ी, द कॉम्पैक्ट साइज ऑफ द ग्रिल प्रेस अनेबल्स ईजी एंड हैजल फ्री स्टोरेज। तो इसका जो साइज़ है वो एक स्क्वायर शेप में है तो काफ़ी अच्छा, मतलब छोटा साइज है जिसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। यस, तो ये इस तरीके के बॉक्स में आया है बहुत अच्छे से, जैसे कि मेयर के हर चीज़ की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, इसकी भी बहुत अच्छी पैकिंग है। तो देखेंगे ये इस तरीके से आया है, ये तो ग्लास है। हाँ ये ग्लास है, तो काफ़ी मोटा ग्लास है, ऐसे नहीं है कि ये पतला ग्लास है, काफ़ी मोटा ग्लास है। और इसके साथ ये हैंडल भी आए हुए हैं और नीचे ये इधर इसमें नट्स वगैरह स्क्रू से इसको टाइट किया हुआ है, और हैंडल में ये जो है ताकि ज़्यादा हीटअप की वजह से हाथ पाथ नहीं जले, तो उन्होंने ये किसी अच्छी रबर या कुछ सिलिकॉन से यूज़ करके ये बनाया गया है ताकि हम इजीली इसको ऐसे प्रेस करके यूज़ करें। मतलब ये इतना हैवी है कि आप इसको खाली मीट के ऊपर या कोई भी वेज चीज़ के ऊपर रख देंगे ना, ये अपने आप उसको प्रेस कर देगा, आपको अपना वेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे ग्रिल पैन के साथ वो आता है ना कास्ट आयरन का भी प्रेस आता है काफ़ी, और जो आइटम है वो कास्ट आयरन का क्योंकि काफ़ी हैवी रहता है तो इसका भी काम वही है, ये भी काफ़ी हैवी है, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का आपको वेट लगाना पड़ रहा है, ये उससे अपने आप हो जाएगा। तो अब अपना देखते हैं थर्ड प्रोडक्ट जो इसका ही पार्ट है, ये तो काफी बिग लग रहा है। हाँ ये जो मेन ग्रिल पैन है ये वो पार्ट है इसका, कास्ट आयरन ग्रिल पैन 25 सेंटीमीटर। हैवी चीज है इसीलिए हैंडल कर। तो
कहाँ से आएगा, थोड़ा वेटेड तो होता है। माजू तो सबसे पहले तो इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल की, पैकिंग वैकिंग करके भेजी है इसमें जो फर्स्ट टाइम हमें मिली है। अदरवाइज हैंडल को ऐसे पैक करके नहीं भेजते। तो जो सबसे पहला लुक है वो ऐसा है, ये विद हैंडल आता है और इसके साथ वही है इसके यूजर मैनुअल। हाँ वो तो इसके साथ तो दिया ही होगा क्योंकि इसमें काफी बड़ा। हाँ इसके साथ ये हैंडल दिया गया है, हैंडल कवर है क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज रहती है, क्योंकि जैसे कि ये सिंगल पीस से बना होता है ना तो ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, और कास्ट आयरन का तो है ही कि वो काफी देर तक गर्म रहता है। तो ऑल इन वन चीजें हैं हेयर इसकी। ये ग्रिल पैन ही है, तो ग्रिल पैन कुछ भी होता है उसमें आपको ये लाइन जरूर दी रहती है, क्योंकि हमें ये लाइंस ही चाहिए होती हैं ग्रिलिंग में। जब से जैसे ही हम कुछ हीट अप इसको करने के बाद अपना मीट या कुछ भी वेज प्रोडक्ट रखेंगे ग्रिलिंग के लिए, तो ये जो लाइंस है ना उस पर वो चारकोल वाली लेयर बना देती है। जैसे ही हम गरम गरम उस पर रखेंगे ना, वो एक चारकोल लेयर बन जाती है उसके ऊपर। तो जैसे कि हम देखते हैं इसका साइज बहुत अच्छा है, 25 सेंटीमीटर है। आपको जो भी कुकिंग वगैरह डेली यूज में करनी होती है उसके लिए एकदम परफेक्ट साइज है। सबसे पहले विद हैंडल ये आता है यहाँ पे इस तरीके से, इसमें दो हैंडल है होते हैं, क्योंकि दो हैंडल मुझे अच्छा लगता है मेयर में ज़्यादा प्रोडक्ट में। या कास्ट आयरन के आप मैक्सिमम चीज़ें में देखिएगा डबल हैंडल ही दिया रहता है जो बड़ी चीज़ें खास करके होती है, क्योंकि वन साइडेड ये इतना हैवी होता है ना कि वन साइडेड उठाना में थोड़ा मुश्किल रहता है, खासकर जिस टाइम आप कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, गर्म भी होता है तो आपको लगे नहीं गिरे नहीं, तो ये बोथ हैंडल आपको मिल जाते हैं। साइड में वैसे ही आपको पोर करने के लिए ग्रेवी या एक्सेसिव ऑयल या कुछ भी आपको निकालना है दोनों साइड वो दिया हुआ है। और मतलब ये जो ग्रिलिंग जो लाइंस बनाई गई हैं ये कोई छोटी नहीं, मतलब काफ़ी ऊपर तक बनाई गई हैं ये लाइंस जो होती हैं। तो एज़ यूजुअल जैसे इसकी क्वालिटी वाइज बात करें, नो डाउट परफेक्ट क्वालिटी है। और इसको जो यूज़ करने का देखिए प्रॉपर तरीका है, पहले मैं इसको हैंडल लगा करके बता देती हूँ कि इसमें हैंडल फिक्स करने के बाद कैसे इसको यूज़ करना है। अच्छा ये प्रॉपर फिक्स करने का देर, ये फिक्स करने का होता है इसमें, मतलब इसको ऐसा ये वॉशेबल कवर ही होता है इसका। अच्छा वो हो जाता है कवर वॉश हो जाता है आराम से, नहीं तो आपको निकाल के अपना पैन वॉश करना है करें, कवर को नहीं करना नहीं करें, आपको करना है वो भी आप साथ में कर दें। लेकिन आज जिस टाइम इसको गीला करें तो सुखाएं दोनों को अलग अलग, वरना इस पर रस्ट आने का डर रहता है। तो ये है, और जैसे कि ये इसका प्रेस है, तो जैसे ही हमने इसको हीट अप किया उसके बाद हमने अपना जो भी खाना बनाना है वो बनाने के लिए रखा, जैसे ये ही रख दिया हमने, फिर इसको ऐसे उसके ऊपर रख दिया जाता है ताकि अब वो उसमें कुक होता रहे, फिर उसकी साइड चेंज करी, फिर उसको ऐसे प्रेस करके रख दिया, तो ना तो उसमें आपका एक्सेसिव ऑयल जाएगा और आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। खास करके जब आप चिकन को प्रेस करके बनाते हैं ना तो वो जिस टाइम आप उसको खाते हैं तो वो बहुत इजीली टूटता भी है, आप नोटिस करिएगा, प्रॉपरली पक जाता है, प्रॉपरली कुक हो जाता है वो, मतलब एक लंबा लंबा रेशा निकालने वाला नहीं, वो अच्छे से जैसे कबाब वगैरह आप बनाते हैं वो अच्छे से मिन्स होके जो टेस्ट आता है ना वो वाला फ्लेवर आता है। और जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि आपको ग्रिलर कैसे यूज़ करना होता है, वो सबसे पहली चीज़ मैं बताती हूँ, आप इसको मेयर के जैसे कोई भी प्रोडक्ट इसको अच्छे से वॉश किया आपने, इसको हीट अप करने के लिए आपको मतलब यूज़ करने से पहले आपको अराउंड 10 मिनट्स तक उसको अच्छे से पकने देना है, 7 to 10 मिनट्स आप अच्छे से रखिए हाई फ्लेम पर, खूब अच्छे से उसको करने दीजिए। उसके बाद आपको इस पर आपको अगर ऑयल यूज़ करना है या आपको बटर यूज़ करना है, उसके बाद आप बटर लगाएंगे, उसको एक दो सेकंड अच्छे से एक दो मिनट छोड़िएगा, जब वो अच्छे से हो जाए, एकदम प्रॉपर हीट चाहिए होती है मतलब ग्रिलिंग के लिए, जब ये अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपको इस पर ग्रिलिंग स्टार्ट करनी है। जो ग्रिलिंग वाला फ्लेवर है और जो ग्रिलिंग का मेथड ही है वो इसी तरीके से है ग्रिलिंग करने का। ये थी कुछ डिटेल्स इन किचन आइटम्स के बारे में, बाकी आप लोगों का कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू पोस्ट इन वीडियो कमेंट सेक्शन, we will respond on that. Thanks for watching and have a good day, and don't forget to subscribe for such upcoming videos.